नमस्कार दोस्तों, ट्रिपला ईएम के आज ट्रिपला प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली इसलिए चालू किया हुआ है कि जिसके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कुछ भी क्वेश्चन है, जिसके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कुछ भी डाउट है, तो आप एक बार क्लियर कर सकते हो। हमने बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। फिर भी आपको लगता है कि आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है और कुछ डाउट है, तो #AskiiiEM लिख के आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव द आंसर। अगर हम आज के क्वेश्चन की अगर बात करें तो मिस्टर सुखप्रीत सिंह करके, वार्निंग सुखप्रीत सिंह करके हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि सर, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस विथ योर कंपनी इन दुबई, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लीज सेंड मी डिटेल्स एंड नेम ऑफ योर कंपनी इन दुबई। थैंक्स अ लॉट सुखप्रीत सिंह जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमने एक लेट्स एक्सपोर्ट करके एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है, जहाँ पे हमने हमारी खुद की कंपनी, मैं जिसमें किसी एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी एसोसिएट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी ही खुद की कंपनी हमने दुबई एज वेल श्रीलंका के अंदर स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे हम लोग मेनली अभी जो काम कर रहे हैं वो ऑनियंस के अंदर काम कर रहे हैं। एंड इन कमिंग फ्यूचर वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन अदर वेजिटेबल्स एज वेल एज द एग्रो कमोडिटीज, जहाँ पे हम लोग खुद काम करेंगे। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या आपको लग रहा है कि हमारे साथ मिलके आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी कंपनी के साथ बात कर सकते हैं। तो उसके जो नंबर से हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। फिर भी आपको अगर दुबई की कंपनी का नाम जानना है तो मनोहर एग्जिम जनरल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, जनरल ट्रेडिंग LLC करके हमारी दुबई के अंदर कंपनी है, और मनोहर इंटरनेशनल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी जो कंपनी है श्रीलंका के अंदर है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमने लेट्स एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली 5S कंसेप्ट के साथ स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्टर को, जो भी एस्पिरेंट एक्सपोर्टर्स है जिसको बैकग्राउंड नहीं है, एक्सपोर्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। किस तरह से 5S, जो फर्स्ट एस जो कंसेप्ट है हमारे, दैट इज सोर्सिंग, कि कौन से समय पे कौन सा माल कैसे परचेस करना चाहिए और कौन सी क्वालिटियाँ करना, तो सोर्सिंग का सपोर्ट देते हैं। दूसरा जो एस जो है वह सप्लाई का, उसका प्रॉपर पैकेजिंग ग्रेडिंग होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इट हैज़ टू बी पैक। तो सेकेंड एस जो हो गया वो सप्लाई का हो गया। थर्ड एस जो हो गया शिपिंग का हो गया। आपने जहाँ से मटेरियल खरीदा है वहाँ से लेके मार्केट तक, जहाँ पे भी आप बेच रहे हो वहाँ तक कैसे आप माल का माल जाएगा, उसका शिपिंग, माल बिगड़े नहीं, टेम्परेचर मेंटेन करना, किस तरह के कंटेनर यूज़ करना, पैकेजिंग कैसे यूज़ करना, उसके ऊपर अभी हम लोग फोकस करते हैं। दैट इज थर्ड एस, दैट इज शिपिंग। फोर्थ एस दैट इज सेलिंग, वहाँ पे जाने के बाद आपका माल बेचना, कैसे बेचना, उसका भी हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे खुद के बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। और पांचवा जो एस है दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एस है ये, जहाँ पे मेजोरिटी, अगर आपने वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे अदर लोगों ने भी वीडियो चढ़ाए हुए हैं, उन सबका एक ही क्वेश्चन आया है कि हमने एक्सपोर्ट किया है, हमारा पैसा डूब गया है। इवन ECGC की अगर बात करें, ECGC लेने के बाद भी बहुत सारे क्लेम्स के इश्यूज आते हैं, तो ये सारे इश्यू नहीं आए, इसलिए हमने खुद ने अपने खुद की ऑफिस खोली, जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट्स भी हम लोग ही देते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, वी आर गिविंग एश्योरेंस ऑफ द पेमेंट्स। प्राइस अप डाउन हो सकती है क्योंकि ये कॉमोडिटी मार्केट, अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें या दूसरे किसी कॉमोडिटी की अगर बात करते हैं, तो रोज प्राइस अप डाउन होती है, राइट? सो वो प्राइसिंग इज नॉट इन अवर कंट्रोल, बट यस, सिक्योर। आज माल भेजने के बाद, यानी 100 रुपये की चीज 80 में बिके या 100 रुपये की चीज 110 में बिके, वो 80 रुपये आना वो हमारी गारंटी। लोगों को ये समझना एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि लॉस क्या है और फ्रॉड क्या है। लॉस क्या है कि अगर हमने 100 रुपये की कोई चीज़ बेची, उसके 80 रुपये में बिकी, क्योंकि प्राइस टूट गई, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गया, मार्केट डाउन हो गया, तो 20 रुपया जो हुआ आपका लॉस है। पर फ्रॉड क्या है कि वो 80 रुपये में जो चीज़ बिकी हुई है वो 80 रुपये भी नहीं आना। हमने ये लास्ट 1.5 साल से इनिशिएटिव लिया हुआ है कि ये सारे बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे थे, उसको सपोर्ट देने के लिए ही वी स्टार्टेड दिस कंसेप्ट ऑफ लेट्स एक्सपोर्ट्स। तो आपको भी अगर उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट है, आपको भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, सिक्योरिटी के साथ आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो,
करंटली हम लोग ऑनियंस के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लो वैल्यू कमोडिटी है, एज वेल एज उसका कम इन्वेस्टमेंट में आप एक्सपोर्ट करना चालू कर सकते हो। तो हमारा जो भी लेस एक्सपोर्ट का यूनिट है उसके बाद आप बात कर सकते हो। हमारे दुबई और श्रीलंका दोनों जगह पे हमारी खुद की कंपनी है, वी आर नॉट वर्किंग एज एन एजेंट और वी आर नॉट वर्किंग विद अवर एसोसिएट पार्टनर्स और सम काइंड ऑफ स्टफ, वी हैव अवर ओन कंपनी अंडर द मनोहर इंटरनेशनल बैनर। तो आप हमारे साथ जुड़ के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और सक्सेसफुली आपका एक्सपोर्ट का जो ड्रीम है वो आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे 5S के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम श्योर सुखप्रीत जी आपको आपका आंसर मिला होगा। फिर भी कुछ मन में डाउट है, फिर भी कुछ मन में कुछ क्वेश्चन है, तो मेरी गुजारिश है एक बार हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर लीजिए ताकि आपके मेजोरिटी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाए। और आपको और भी कुछ पूछना है तो #AskiiiEM लिख के आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर डाउट किए क्लियर किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए बाकी सारे वीडियोस भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए ताकि एक्सपोर्ट को लेके जो जागरूकता चाहिए, हमने जो मिशन गोल्डन बर्ड लिया हुआ है वो मिशन गोल्डन बर्ड सक्सेसफुल हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।